इनके लब रंगी मिठावर के जिसने, और सिर्फ जो है ना पैर एक धोने से बाकी था कि हवा खारिज हो गई, तब ये वजू फिर से दोबारा इनको करना होगा, या फिर सिर्फ दोनों पैर धोकर ही काम चलाया जा सकता है। तो मोहतरमा अर्ज़ ये है कि अगर किसी शख्स ने वजू करा, यानी एक तो ये कि नमाज और वजू ये अहकाम शरीयत है, इसमें तो इस तरह से मतलब कि एक धो के काम चल जाए, तो यहाँ तो इस तरह से औरतों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए, सब्जी की दुकान की तरह के बारगेनिंग में शॉर्टेज में हो जाए काम। वजू वजू है, अगर एक पैर धोने से बाकी था और रेया खारिज हो गई किसी तरह, या वजू तोड़ने वाली कोई बात पाई गई, तो मुकम्मल वजू ही शुरू से करना होगा। आप इस गुमान में हैं कि एक दोनों पैर धो के काम चल जाएगा, तो इस तरह नहीं होता, मुकम्मल वजू करना होगा। तो अगर किसी शख्स का एक पैर धोने से बाकी था और एंड वक्त पे मुकम्मल वजू के बाद रेया खारिज हुई, और बिलफर्ज़ अगर आप हवा को रोक कर एक पैर धो भी लेती, तो इस सूरत में भी फिर आप नमाज नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि अगर हवा का गलबा हो, पेशाब वगैरह का गलबा हो, या रे खारिज वगैरह का गलबा ज़्यादा हो, उम्मीद है कि हवा पास हो जाएगी, तो उसको ज़बरदस्ती रोक कर नमाज पढ़ना ये भी मकरूह तहरीमी है। तो जब आपको इतना गलबा था कि एक पैर धोने से बाकी था, अगर आप धो भी ले दी, तो धोने के बाद हवा खारिज हो जाती है, नमाज की हालत में हो जाती है, तो भी आपको दोबारा वजू करना पड़ता। तो बहरहाल ये कि सिर्फ दोनों पैर आखिर में धोने से काम नहीं चलता, ये कोई जोड़े वाली बात नहीं है कि अगर एक पैर बच गया दूसरा धो, तो सिर्फ पैर पैर धो लो या हाथ हाथ धो लो, इससे पहले जो गुजरे हैं वो पार्ट जो है वो धुले हुए माने जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें एक मसला और भी अहम याद रखना चाहिए कि अगर किसी शख्स ने वजू करना शुरू किया और वजू का पानी ही लिया पहली बार में, और पानी हाथ में लेते ही उसकी जो है वो हवा खारिज हो गई, और वो हवा खारिज करने के बाद उसी पानी से आगे हाथ धोए या कुल्ली करे या नाक में पानी दे ले, तो इस तरह भी नहीं कर सकता। यानी किसी शख्स ने हाथ में पानी लिया और हवा खारिज हो गई, तो ये पानी भी उसको फेंकना पड़ेगा, यानी ये पानी भी इस्तेमाल में नहीं हो सकता। तो इस तरह उसको नया पानी लेकर फिर से वजू करना होगा, और अगर किसी ने वही पानी इस्तेमाल किया तो वो पहले से इस्तेमाल शुदा पानी था, तो उससे वो वजू हो तो जाएगा क्योंकि फ़र्ज अदा हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पानी को उसको फेंकना पड़ेगा, उससे वजू नहीं होगा, क्योंकि वो दोबारा तिबारा धोएगा तो इस एतबार से उसका वजू हो जाएगा। तो ये कि उसमें दोबारा पैर धोने की ज़रूरत नहीं, फिर से वजू करें, और नमाज में गलबा अगर इस चीज़ का हो तो पहले इस चीज़ से फारिग हों, लेटरिंग पेशाब और या हवा वगैरह से, उसके बाद इत्मीनान के साथ वजू करें और इत्मीनान के साथ ही नमाज पढ़ें, इसमें शॉर्ट रास्ते ना तलाशें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।